अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको पता है कि शॉर्ट वीडियो पे व्यूज़ कहाँ से आते हैं? आइए पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, आपके सामने वीडियोज़ हैं, ये यूट्यूब होम पेज पे शो हो रही हैं और इन पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं? 2.1 मिलियन व्यूज़, 8.6 मिलियन व्यूज़, 11 मिलियन व्यूज़। तो ये आपके सामने मिलियंस में वीडियोज़ जा रही हैं। किस वजह से जा रही हैं? क्योंकि ये यूट्यूब होम पेज पे शो हो रही हैं। तो पहली बात तो यहाँ से व्यूज़ आते हैं। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, आपकी अगर शॉर्ट वीडियो शॉर्ट्स फीड में आती है ऐसे, यहाँ पे ये देखें, इस तरह अगर शॉर्ट फीड में आ रही है तो समझें आपकी वीडियो वायरल है। कैसे? यहाँ पे इसके लाइक्स देखें, 97K लाइक्स, तो इस पे मिलियंस में व्यूज होंगे। नीचे आप देखें 3,32,000 लाइक्स, तो सोचें इस पे कितने ज्यादा व्यूज होंगे। तो जितनी आप ये शॉर्ट्स फीड में आती जाएंगी ना, इन पे लाखों में मिलियंस में व्यूज होंगे। तो ये आपने देखा कि अगर आपने शॉर्ट वीडियो को वायरल कराना है, ज्यादा व्यूज लाने हैं, तो आपकी शॉर्ट वीडियो या तो शॉर्ट्स फीड में आनी चाहिए या यूट्यूब होम पेज पे आनी चाहिए। तो ये कैसे आएगी? अगर आप अपनी शॉर्ट वीडियो को नए तरीके से YouTube पे अपलोड करेंगे, क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिथम है वो टोटली चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो अपलोडिंग का मेथड है वो चेंज हो चुका है। जैसे ही आप यहाँ से वीडियो को अपलोड करते हैं, आपको आगे काफी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं जिनका आपने यूज करना होता है और अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कराना होता है। अगर आप पुराने तरीके से शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते रहेंगे तो ना तो आपकी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट्स फीड में जाएगी, ना यूट्यूब होम पेज पे आएगी, तो आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आप भी अपने शॉर्ट वीडियो पे व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियोज को वायरल करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीका क्या है, नया तरीका क्या है, किस तरीके से आपने अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करना है और ज्यादा व्यूज लाने हैं, तो यही सारा कुछ नया तरीका आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ में मैं आपको एक और बात भी बता दूं, मैं अपनी तरफ से आपको 2 से 3 प्रो टिप्स भी दूंगा, क्योंकि मेरा भी शॉर्ट का चैनल है, उस पे 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो यहाँ पे मैं शो नहीं कराना चाहता क्योंकि उस पे टोटली कॉपी पेस्ट वर्क है, तो कुछ प्राइवेसी होती है, इसलिए यहाँ पे मैं शो नहीं कराना चाहता। लेकिन मैं आपको टिप्स दूंगा कि मैंने किस तरह 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स लाए और आपने भी किस तरह अपने शॉर्ट वीडियो को वायरल करा के ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर लाने हैं। तो आइए इसके लिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये कल के हमारे वीडियो के विनर हैं, आप इनके चैनल को सपोर्ट करें, बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं और इनका चैनल मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर कर दिया है। और अगर इसी तरह आप भी अपने चैनल की प्रमोशन कराना चाहते हैं तो आपने करना ये है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। अगर आप विनर रहेंगे तो आपके चैनल की प्रमोशन मैं बिल्कुल फ्री में कर दूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कि आपने अपनी शॉर्ट वीडियो को किस तरह अपलोड करना है और उस पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाने हैं। तो अपलोड करने के लिए आपने क्या करना है, नीचे आपको प्लस का ऑप्शन दिखाई देता है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद ये देखिए, आपको टोटली इंटरफेस जो है ना चेंज लग रहा है। तो आपको वीडियो का अलहदा मिल रहा है, शॉर्ट का, लाइव का, पोस्ट का। तो अगर आपकी शॉर्ट वीडियो है तो आपने शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट से ही अपलोड करना है, ठीक है। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट है। अब हमने क्या करना है, ये कैमरे के साथ हमें गैलरी का ऑप्शन मिलता है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और अपनी वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए मेरी वीडियोस आ चुके हैं, मैं अपनी एक वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ और इस पेज पे आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपके सामने प्रोसेसिंग हो रही है और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे ये देखें, आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, अभी आपने इनका यूज नहीं करना। आपने क्या करना है, ये जो टिक का ऑप्शन है आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस पेज पे आने के बाद अब ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे ऊपर आपको क्या मिल रहा है, एड साउंड का, कि अगर आप कोई साउंड लगाना चाहते हैं, कोई म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो वो आप यहां से लगा सकते हैं। तो यहां से आपको कॉपीराइट नहीं आता, अगर आप ऑलरेडी कोई साउंड या म्यूजिक अपनी वीडियो के अंदर लगा देते हैं कहीं से तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। तो अगर आप अपने शॉर्ट वीडियो के अंदर म्यूजिक यूज करना चाहते हैं तो आपने यहां से ऐड करना है, ठीक हो गया। अब नीचे ये देखिए, आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देता है कि आप अपनी वीडियो के अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहां से ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। नीचे ये देखिए फिल्टर का ऑप्शन है, अगर आप फिल्टर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है, जो वीडियो है, आप उसको ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो काफी फीचर यूट्यूब ने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। तो खैर, ये जो मेरी वीडियो है इस पे मैं कुछ भी अभी अप्लाई नहीं करना चाहता, मेरी वॉइस भी अपनी है, सारा कुछ ओके है। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब जो सबसे पहला काम हमारा होता है वो क्या होता है कि हमने अपनी वीडियो का थंबनेल लगाना होता है, क्योंकि यहां से ही हमें थंबनेल का ऑप्शन मिलता है, इससे आगे हमें नहीं मिलता। तो मैं क्या करता हूँ, पेंसिल पे क्लिक कर देता हूँ और यहां से मैं अपना कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, हाउ मच मनी यूट्यूब गिव्स, ये जरा अट्रैक्टिव है, मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब इसके बाद कैप्शन आता है कि हमने अपनी वीडियो का टाइटल कैप्शन क्या रखना है।
तो ये आपके सामने मैं यहाँ पे टाइटल रखता हूँ। ये मैंने आपके सामने टाइटल रख दिया, लेकिन ये सिंपल सा है। आपने क्या करना है, सिंपल सा नहीं लगाना, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये YouTube 1000 व्यूज का कितना पैसा देता है, नहीं, हमने क्या करना है, जरा सस्पेंस क्रिएट करना है, तभी शॉर्ट वीडियो वायरल होती है। मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखें, इतना पैसा सिर्फ 1000 व्यूज पे। इस तरह का टाइटल होना चाहिए जो सस्पेंस क्रिएट करे। तो मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या लगाना है, दो हैशटैग यहाँ पे आपने लगा देने हैं। एक क्या लगाना है, #shorts। लेकिन ये लगाते हुए आपने ख्याल करना है, ये नीचे देखें जैसे आपको शो हो रहा है 842 मिलियन वीडियोस इस पे बन चुकी हैं, इसी को ही आपने सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, YouTube मनी, क्योंकि मैं मनी के रिलेटेड अपनी वीडियो बना रहा हूँ। एक हैशटैग मैंने उसका लगा दिया, एक मैंने शॉर्ट्स का लगा दिया। तो ये हमारा टाइटल बन चुका है, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना, हमने विजिबिलिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके हमने इसको अनलिस्टेड रख देना है, ठीक हो गया। तो इस पेज पे जो हमने काम करना था वो हमारा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अपलोड शॉर्ट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, मैं आपके सामने क्लिक कर देता हूँ, तो हमारी जो शॉर्ट वीडियो है उसकी अपलोडिंग हो रही है। तो इसके बाद हमने जो मजीद काम करना है अपनी शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट्स फीड में और यूट्यूब होम पेज पे पहुंचाने के लिए, वो हमने YT स्टूडियो के अंदर करना है। ये देखिए, हम YT स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं, ये आपके सामने मेरी वीडियो है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने एक चीज को देख लेना है, वो बाद में जो है ना भूल जाती है। ये नीचे देखिए ऑडियंस आपको शो हो रही है कि आप किस ऑडियंस को अपनी वीडियो दिखाना चाहते हैं, ये लाजमी आपने सेलेक्ट करना होता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि हमारी जो वीडियो है वो नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, के बच्चों के लिए नहीं है, हमने इसको सेलेक्ट करना है। और एज रिस्ट्रिक्शन पे यहाँ पे नीचे देखें, नो डोंट रिस्ट्रिक्ट मे वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18, हमने इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। तो YouTube को आसानी हो जाती है हमारी वीडियो को समझने के लिए कि हमारी वीडियो किन लोगों के सामने शो करा है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से बैक आते हैं। अब है ये जो टाइटल आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। आपने भी यही काम करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है, आपने आ जाना है यूट्यूब पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर कुछ कीवर्ड्स और टैग्स लगाने हैं, लेकिन वो वाले लगाने हैं ना जो यूट्यूब होम पेज पे हमारी वीडियो को लाए, ठीक है। हमने क्या करना है, नीचे ये जो आपको डीपी दिखाई दे रही है मेरी, मैं इस पे क्लिक करता हूं और ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा है टर्न ऑन इनक्यूजिनिटो, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो अब आपकी जो भी वीडियो है, आपकी कुकिंग की वीडियो है, आपकी फैशन की, आर्ट क्राफ्ट की, टेक की, जो भी है, तो वही टाइटल आपने यहाँ पे सर्च करना है। ये देखें, जैसे मैं सर्च करता हूँ YouTube कितने व्यूज, ठीक है, YouTube कितने व्यूज पर कितना पैसा देता है, मैंने सिर्फ लिखा YouTube कितने व्यूज, नीचे YouTube ने मुझे कीवर्ड दे दिए कि लोग इन पे ऐसे सर्च कर रहे हैं। तो अब मैंने क्या करना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपने भी यही करना है, जो आपका टाइटल हो आपने यहाँ पे सर्च करना है और नीचे जो कीवर्ड्स मिले उनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब यहाँ से आपने बैक आ जाना है। ये आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रही है टेक्स्ट स्नैप की, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन दिखाई देता है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें आ चुका है। मैं क्रॉप करता हूँ, क्रॉप करने के बाद ऊपर क्रॉप का ऑप्शन दिखाई देता है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये सारे एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। अब ऊपर कॉपी का ऑप्शन मिलता है, मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ, तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आके नीचे मैं क्या करता हूँ, माई ऑडियंस सर्चेस, कि जो मेरी ऑडियंस है वो क्या सर्च कर रही है, वही कीवर्ड मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ जो अभी मैंने कॉपी की है। ये देखें आपके सामने पेस्ट हो चुके हैं, ठीक हो गया। अब ये काम भी हमारा ओके हो चुका है। अब जो नेक्स्ट काम रहता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने ध्यान से समझना है। अब नीचे देखें, यहाँ पे मैं हैशटैग लगाता हूँ। अब हैशटैग लगाने के दो तरीके हैं, आपने क्या करना है, एक आपने आ जाना है यूट्यूब पे। ये देखें, अब YouTube पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हैश व्यूज, मेरी जो वीडियो है ना व्यूज के रिलेटेड है। अब आपने अपनी देखनी है, आपकी कुकिंग के है या जिसके रिलेटेड भी है, आपने यहाँ पे हैशटैग वही सर्च करना है। मैंने हैशटैग व्यूज सर्च किया तो यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे हैशटैग मिल जाते हैं जो मेरे रिलेटेड होंगे, मैंने उनको निकाल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखे, मैं हैशटैग मनी अगर सर्च करता हूँ तो ये भी आ चुके हैं, तो यहाँ से यूट्यूब से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन आपको यूट्यूब वहीं पे दे देता है YT स्टूडियो के अंदर। ये देखे, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं नीचे हैशटैग पुट करता हूँ और उसके बाद मैं पुट करता हूँ हैशटैग व्यूज। अब ये देखें इस पे कितनी वीडियो बन चुके हैं, 5.2 मिलियन वीडियोस। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो व्यूज के रिलेटेड है, मनी के रिलेटेड है, ठीक हो गया। अब नीचे हैशटैग मैं पुट करता हूँ यूट्यूब मनी, ये आ चुका है, 52,000 वीडियोस बन चुकी है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद हैशटैग डॉलर, के यूट्यूब कितने डॉलर देता है कितने व्यूज पे, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे इस तरह जो पॉपुलर है, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग वायरल,
हैशटैग ट्रेंडिंग इस तरह के मैं लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मेरे अपने चैनल का नेम का हैशटैग है वो पुट कर देता हूँ। ये आपने लाजमी से अपने चैनल का हैशटैग बनाना होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा आपके चैनल को बूस्ट मिलता है। और इसके साथ लास्ट पे जो मेरे रिलेटेड बड़ा चैनल है एक, मैं उसका भी नेम का हैशटैग यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ताकि उसकी जो ऑडियंस है वो मेरी वीडियोस पे मेरे चैनल पे आए। ये भी मैंने पुट कर दिया आपके सामने। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन ओके हो चुकी है। अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब इस पेज पे आने के बाद अगर आप रिलेटेड वीडियो लगाना चाहते हैं वो भी लगा दें, अगर आपने लॉन्ग वीडियो बना रखी है। या आपने क्या करना है, मोर ऑप्शंस पे आ जाना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं टैग्स, तो हम अपनी वीडियो के टैग्स लगाते हैं। ये देखे मैं लगा रहा हूँ, सबसे पहले वही अपना जो टाइटल था, इतना पैसा सिर्फ 1000 व्यूज पे, ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ से बैक आता हूँ, ये देखें जो हमने कीवर्ड्स निकाले थे, यहाँ से मैं इनको वन बाई वन सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने वहाँ से कॉपी करते जाने हैं और यहाँ पे पेस्ट करते जाने हैं। मैं सारे पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिए और अपने चैनल का नाम का टैग भी लगा दिया, ओके हो गया जी। नीचे आता है शॉर्ट्स रिमिक्सिंग, आप इसको अलाउ करें, ठीक है। ये मैंने अलाउ कर रखा है, अलाउ वीडियो एंड ऑडियो रिमिक्सिंग, अगर कोई मेरी वीडियो के साथ रिमिक्स करना चाहता है तो वो करे, क्योंकि इससे मेरा ही फायदा है, ठीक हो गया। आप नीचे क्या है, कैटेगरी, कैटेगरी भी आपने सही से सिलेक्ट करनी है, मैंने अपनी सिलेक्ट कर रखी है। अब इसके बाद नीचे कमेंट्स, शो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, इसका भी टिक होना चाहिए। अलाउ एम्बेडिंग, इसका भी टिक होना चाहिए। अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, हमारा सारा काम हो चुका है, ठीक हो गया। अब मैं करता हूँ विजिबिलिटी पे क्लिक और इसको मैं पब्लिक कर लेता हूँ। ये पब्लिक हो चुकी है तो हमारी वीडियो बिल्कुल रेडी है। तो सिर्फ क्या काम करना है, मैंने सेव पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आपके सामने मैंने सेव पे भी क्लिक कर दिया है और मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह आपने अपनी वीडियो को अपलोड करना है। अब बात आती है कि मैंने आपको अपनी तरफ से जो प्रो टिप्स देनी है वो आपको मैं बताने लगा हूं। ये तो आपने देख लिया कि वीडियो को प्रॉपर अपलोड करने का जो नया तरीका है, आपने किस तरीके से करनी है इसको अपलोड। अगर इसी मेथड से आप अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे। अब मैं आपको बता दूं, जो शॉर्ट्स के चैनल होते हैं वो शॉर्ट्स के चैनल ज्यादा वायरल कैसे होते हैं, उनकी वीडियो पे ज्यादा व्यूज कैसे आते हैं। अब मैं आपको अपने चैनल का बताऊं, मैंने शॉर्ट चैनल पे वर्क किया, डेली की मैं 3 वीडियो अपलोड करता था, कभी कभी 4 भी कर देता था। तो यकीन करें 24 से 25 दिन के बाद, तकरीबन 25 दिन हुए थे, तो मेरी वीडियो वायरल हो गई। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी वीडियो वायरल हो गई। सिर्फ मैंने क्या काम किया, रेगुलर काम किया और डेली की मैंने 3 से 4 शॉर्ट वीडियो अपलोड की। अब अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बताऊं, अगर आप 3-4 नहीं कर सकते तो 2 लाजमी करें, क्योंकि शॉर्ट पे कंपटीशन है, काफ़ी ज़्यादा लोग वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आपका लॉन्ग का चैनल है तो आपने 1 वीडियो, अगर आपका शॉर्ट का चैनल है तो आपने 2 से 3 वीडियो लाजमी अपलोड करनी है। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जो आपका इंट्रो है, जो स्टार्टिंग है, वो आपने ज़रा तगड़ा सा रखना है। और मैंने भी अपने चैनल पे सेम यही काम किया कि मेरा इंट्रो तगड़ा होता था, ऑडियंस रुक जाती थी तो वो आगे वाली वीडियो को भी देख के जाती थी। बाकी मैंने आपको टाइटल के भी शुरू शुरू में बता दिया कि आपने किस तरह का रखना है जिसमें सस्पेंस क्रिएट हो रहा हो, और मैंने आपको थंबनेल का भी बता दिया था कि थंबनेल आपने कैसा सिलेक्ट करना है। तो उम्मीद है कि मेरी आप इस बातों पे अमल करेंगे और इसी तरीके से YouTube पे शॉर्ट वीडियो को अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ, अगर आज की मेरी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।